चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एमओडी में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव लेना कैसे, मेरे ख्याल से वो सबको आता ही होगा अभी तक। अब एओडी की जब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं हम इसकी बात करें। जैसे कुछ चीजें इसमें से वो है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करूं जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहला टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा था, याद है? किस किस को याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हर कॉनिक सेक्शन के लिए सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी अलग अलग फॉर्म। ठीक, अब डेरिवेटिव का इसमें क्या यूज है? डेरिवेटिव का यूज है कि डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा या एक्स वन वाई वन गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हमें ये पता है? यस और नो? डीवाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस वन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ही पता चल जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई, कह सकता हूं या नहीं? तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ एट पॉइंट अल्फा बीटा भी कह लेता हूं, जिस भी पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स लिखूंगा तो एफ डैश एक्स मुझे क्या देता है? एफ डैश एक्स मुझे देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूंगा क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट क्या आता है? माइनस वन आता है। पता है हमें ये बात? देखो एक बार यस और नो लिख देना, चैट बॉक्स देख रहा हूं। सही है? अब देखो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया और वो पॉइंट भी पता है, क्या मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूँ? y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 इनटू x माइनस x1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx बाय dy एट पॉइंट x1 y1 इनटू x माइनस x1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। क्या हमें ये भी पता है? ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, यस या नो? फटाफट से, बिल्कुल पता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? अब कुछ कुछ चीजें मैं तुम्हें याद दिला देता हूं जो हम स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो चीज हम यूज करेंगे। जैसे अगर वो हमें कहता था कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है ऑन बोथ द एक्सिस, याद आ रहा है ऐसा कुछ? लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता था? स्लोप पे क्या कमेंट करते थे जब वो इक्वल इंटरसेप्ट कहता था ऑन बोथ एक्सिस? बोलो जरा, स्लोप कितनी होती थी? चैट बॉक्स में फटाफट। लगभग सबने सही आंसर लिखा है, स्लोप इज माइनस वन। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता था हमारे पास या तो ऐसे दिखाई देगी या तो ऐसे, या दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे इक्वल होंगे, या दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव होंगे इक्वल होंगे, पता है हमें? यहीं पे हम एक और टर्म यूज करते थे, इक्वली इंक्लाइंड, याद है तुम्हें? इक्वली इंक्लाइंड टर्म, उसके लिए स्लोप के बारे में क्या कहते थे? बताओ फटाफट। बिल्कुल सही लिखा है तुमने, उसके लिए आप स्लोप को कहते थे प्लस माइनस वन, बिल्कुल सही। एक टेक्निकल क्वेश्चन, अब थोड़ा सोच के आंसर देना। मैं कह रहा हूं किसी पॉइंट पे dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कह रहा हूं किसी पॉइंट पे dy by dx एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या वहां पे टेंजेंट बनाना पॉसिबल है? यस या नो? सोच के आंसर देना। किसी पॉइंट पे dy by dx एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां टेंजेंट बनाना पॉसिबल है? यस या नो? चलो, इसी पॉइंट पे अगर dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता तब भी टेंजेंट बनाना पॉसिबल हो सकता है इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। याद आया, हमने बात करी हुई है इसकी, वर्टिकल टेंजेंट की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं।
अगर मैं कहता हूँ y हमारे पास x टू दी पावर 1/3 है मान लो या 2/3 है मान लो, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ dy by dx किसके बराबर होगा, इट इज 2/3 x टू दी पावर 1/3, ऐसा होगा या नहीं होगा, 2/3 x टू दी पावर 2/3 माइनस 1 और ये ऐसा दिखाई देगा। तो x इक्वल्स टू 0 की बात करता हूँ मैं, x इक्वल्स टू 0 पे dy by dx अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या कहोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन याद करो अगर किसी लाइन की स्लोप इंफिनिटी आती थी या स्लोप नॉट डिफाइंड आती थी तो वो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती थी या नहीं, एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली लाइन। इसकी अगर तुमसे कोई स्लोप पूछे तो तुम स्लोप क्या कहते थे, नॉट डिफाइंड कहते थे, कहते थे या नहीं कहते थे बोलो, कहते थे, बिल्कुल सही। तो अब जब मैं dy by dx does not exist कर रहा हूं इसका मतलब मैं कह रहा हूं ये लाइन कुछ ऐसी हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लाइन एग्जिस्ट तब भी करेगी, लाइन कुछ ऐसी दिखाई देने लग जाएगी, सही कह रहा हूं मैं। अब अगर 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 मैं तुम्हें इसका ग्राफ भी दिखाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये इधर ये इधर, ये हमारे पास ग्राफ होता है y इक्वल टू x टू द पावर 2/3 का, चाहो तो डेरिवेटिव की हेल्प से बना के भी देखते हैं ना, और ये वर्टिकल टेंजेंट, इस पे ये टेंजेंट होता है हमारे पास। और याद हो तो जब हम वो पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तब भी मैंने डिटेल में बताया था, तब हमने एग्जांपल इसका x की पावर 1/3 लेके करा था, तब भी यही वर्टिकल टेंजेंट बना था, इस वजह से हम कह रहे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन टेंजेंट बन सकता है। किस किस को ये याद आ गया चैट बॉक्स में यस लिख दो, सही है। अब थोड़ा सा और आगे चलते, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें याद है तो टेंजेंट एक तो ऐसा होता था कि वो कहता था कर्व की इक्वेशन गिवन है किसी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट लिख दो, एक होता था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, याद आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो ऐसा कोई कर्व है और किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट बनाया, ये वाला पॉइंट है कोई अल्फा बीटा, इससे टेंजेंट बनाया इस कर्व पे हमने, याद आ रहा है कुछ, तो जरा दिमाग में सोचो एक सेकंड के लिए कि ये कर्व की इक्वेशन मुझे गिवन है y इक्वल टू fx, मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, जल्दी से सोच के बताओ, सोच लो मतलब, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर पूछूंगा किसका सही था किसका नहीं था, जल्दी से y इक्वल टू fx कर्व की इक्वेशन गिवन है, धार वाला पॉइंट भी गिवन है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, देखो क्या कर सकते हैं हम, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, वैसे अल्फा कॉमा बीटा मानते हैं, बीटा को यहां डालते हैं फिर अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा मान लेते हैं, इसको एच कॉमा के लिए लेना थोड़ी देर के लिए जो भी गिवन पॉइंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूंगा एट अल्फा, एफ डैश अल्फा, क्या एफ डैश अल्फा मेरे पास के माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच माइनस अल्फा के बराबर होना चाहिए, यस या नो, फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में। तो एच कॉमा के गिवन पॉइंट था ये, हमें अल्फा की टर्म में हमने कर्व पे पॉइंट मान लिया, जो भी कर्व हमें गिवन होगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, मैं कह रहा हूँ अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, ये पॉइंट मान लिया, ऐसे ही करते थे कोऑर्डिनेट में भी, याद ये इक्वेशन लिख दी हमने, इक्वेशन नहीं सॉरी स्लोप लिख दी y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो ये डेरिवेटिव से भी आनी चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन से मैं अल्फा निकाल लूंगा क्योंकि h गिवन है, k गिवन है, फंक्शन गिवन है, सिर्फ अल्फा ही तो अननोन बचा है, अगर मैंने अल्फा यहां से निकाल लिया तो ये पॉइंट आ गया, और पॉइंट आ गया तो टू पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूं। ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है जो तुम्हारे पास आएगी, तुम पर ये प्रोसेस तुम जानते हो, सॉल्व कर लो। तीसरा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कर्व गिवन है y इक्वल टू fx और हमें कहा है कि एक लाइन, ये लाइन ax प्लस by प्लस t इक्वल टू 0 कब इस पे टेंजेंट होगी, ऐसे पता लगाना है, एक तो ये था इस पॉइंट से टेंजेंट गिराना है इस पे। अब वो कह रहा है कर्व गिवन है y इक्वल टू fx और लाइन भी गिवन है, हमें
मान लो ये बताना है कि कब उस पे टेंजेंट होगी, सोचो जरा फटाफट से। अब देखो कुछ कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक का डी जीरो कर देंगे, लेकिन ये सही जवाब नहीं है क्योंकि तुम्हें फंक्शन थोड़ी ना पता है क्वाड्रेटिक ही होगा। ये तब तक सही था जब तक हम कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे थे कि y की वैल्यू वहां से उठा के डाली, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग निकालते ही थे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब भी हमने निकाली है क्वाड्रेटिक वाले तरीके से, क्योंकि वो दो डिग्री के कर्व थे ना। अब जो fx गिवन होगा जरूरी नहीं है वो दो डिग्री का हो, जरूरी नहीं है वो थ्री डिग्री का हो, किसी भी डिग्री का हो सकता है, कैसा भी दिखाई दे सकता है, पॉलिनोमियल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले कर्व पे देखो जरा सिमिलर प्रोसेस है जो अभी कर रहा था वैसे ही सिमिलर थे। इस वाले कर्व पे हमें पता है कि ये लाइन हम चाहते हैं कि टेंजेंट हो जाए, लाइन हम चाहते हैं टेंजेंट हो जाए, लाइन की इक्वेशन है ax dy c बराबर जीरो। क्या मैं इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन से मान लो या y इक्वल टू fx से मैं ये मान सकता हूं कि मेरे पास ये अल्फा कॉमा f ऑफ अल्फा होगा। कब से लिख लिया मान लो अल्फा कॉमा f ऑफ अल्फा होगा, एग्री करते हो इस बात को? तो मैं क्या कहूंगा कि f डैश अल्फा इज माइनस a बाय b, क्या तुम एग्री कर समझ गए कि क्या हुआ? f डैश अल्फा इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है और वो तो ये लाइन ही है, ये लाइन है तो माइनस कॉफिशियंट ऑफ x अपॉन कॉफिशियंट ऑफ y, ये स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट है, याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में हम लिखते थे माइनस कॉफिशियंट ऑफ x अपॉन कॉफिशियंट ऑफ y, ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ i आ जाएगी। क्या मानते हो इस बात को तुम? देखो फटाफट इसको, कोई डाउट हो किसी के मन में तो चैट बॉक्स के पास ही हूं मैं, लिख दो। बालक ने लिखा है अगर इंटरसेक्शन ले ले तो भी कर सकते हैं, पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करें तो भी कर सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन ले लिया तो ये कैसे श्योरिटी दोगे कि वो लाइन टेंजेंट है या फिर इंटरसेक्ट करके जा रही है, बताओ? अगर मैंने एफ एक्स और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो तुम्हारे पास ये श्योरिटी कहां से आ रही है कि वो टेंजेंट ही है, क्या पता ऐसे निकाल लो? मानते हो इस बात को या नहीं मानते, बोलो? जिन लोगों ने डाउट लिखा था समझ गए ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि ये लाइन टेंजेंट बने, उसके लिए मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट को इस लाइन की स्लोप के बराबर कराना पड़ेगा और उस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है हमारे पास इस लाइन पे भी लाए करना चाहिए। एक और कंडीशन जो है, ये जो पॉइंट है हमारे पास ये इस लाइन पे भी लाए करेगा, क्यों करेगा बताओ जरा, क्यों लाया करेगा, क्यों हम चाहेंगे कि पॉइंट जो है वो लाइन पे भी लाया करे? मैं कह रहा हूं कि हमें ये भी देखना है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाया करे, ऐसा क्यों जरूरी है कि ये इस लाइन पे भी लाया करे? बिल्कुल सही आंसर दिया है कुछ कुछ बालकों ने, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि स्लोप इस पॉइंट पे और लाइन की स्लोप बराबर है, लेकिन दो चीजों की अगर स्लोप बराबर है तो वो सेम होंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। सोचो दोनों की स्लोप बराबर, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखी, यहाँ से लाइन की स्लोप लिखी, दोनों बराबर कर दिए तो फोटो कुछ ऐसी भी तो दिख सकती है कि दोनों पैरेलल हो जाए आपस में, ये अल्फा वाला पॉइंट और ये लाइन। सोचो मैंने यहाँ की स्लोप और यहाँ की स्लोप बराबर कर दी, अभी भी तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अंटिल एंड अनलेस ये पॉइंट इस पे लाए करेगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता। क्या समझ गए तुम ये बात, यस और नो? क्या तुम समझ गए ये बात कि पॉइंट का उस लाइन पे लाया करना जरूरी क्यों है? समझ गए होगे मेरे हिसाब से? तो कुछ फॉर्मूलेस लिख रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, नॉर्मल के अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, एक सेकंड दे दो मुझे ताकि मैं फॉर्मूले लिख सकूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये चार फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये है किसके ये देखना जरा, अभी लिखूंगा। कोई कर्व है हमारे पास मान लो y इक्वल टू fx, ये हालांकि 11th में भी हमने देखे एक बारी, लेकिन फिर एक बार देख लेते। ये टेंजेंट है हमारे पास, ये पॉइंट p है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट n है, ये पॉइंट t है। कोई कर्व था y इक्वल टू fx
पॉइंट पी है हमारे पास जिस पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करे हैं, ये पीटी टेंजेंट है, पीएन नॉर्मल है। तो पहली चीज जो मैं बता रहा हूं वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये जो लेंथ आ रही है, ये जो लेंथ आ रही है, इस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कह रहे हैं। क्या तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर हो गई? तो ये हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट है। वैसे ही सिमिलरली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके नॉर्मल जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, उस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेके जिस पॉइंट पे नॉर्मल एक्स एक्सिस को टच करेगी, कट करेगी, उसको हम क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन लेंथ की, ये जो लेंथ लिखी है मैंने, दो इनकी प्रोजेक्शंस ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे। ध्यान से देखोगे अगर, ये जो दो लेंथ है इनकी प्रोजेक्शन, तो पीटी की प्रोजेक्शन कुछ ये दिखाई देगी तुम्हें। ई पॉइंट क्या लिख देखो, किस किस को ये दिख गया कि पीटी की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ये है, चैट बॉक्स में यस लिख दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, तो ये पीटी था, इसकी प्रोजेक्शन यहां ले ली, इसको ये पॉइंट एम बोल देता हूं, तो इस टी एम को हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही ये जो लेंथ आ रही है एम एन, ये क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ नॉर्मल की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट। तो ये हमारे पास जो एम एन, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। समझ गए तुम मेरी बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल है क्या। अब ये फॉर्मूले कहां से आया ये भी एक मिनट में बताऊंगा, पहले कंसेप्ट समझो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके टेंजेंट जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसको कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसकी इमेज, इमेज नहीं सॉरी, उसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ली, उसको क्या कह रहे हैं, सब टेंजेंट। ऐसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके नॉर्मल जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। उसकी प्रोजेक्शन ली एक्स एक्सिस पे, उसे क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्या तुम्हें चारों टर्म्स क्लियर हो गई? अभी फॉर्मूले पे एक सेकंड बाद आओ, देखो जरा टर्म्स क्लियर हो गई, चैट बॉक्स में यस चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक। अब आ जाते हैं इनके फॉर्मूले पे। इनमें से कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा सिंपल, थोड़ा ध्यान से देखोगे बहुत आसानी से आ जाएगा। ये कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ये वाई होगा, अगर मैं कहता हूं कि ये एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है तो ये वाई होगा, होगा या नहीं, यस और नो? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये वाई हो गया मेरे पास, ये एंगल थीटा ले गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एस टेन थीटा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, टेन थीटा आएगा, यस या नो? डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा आएगा, यस या नो? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये y पता है, ये थीटा पता है, क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ, यस और नो? तुम्हें y पता है, थीटा पता है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हो, यस या नो? जल्दी से बताओ, और क्या आएगा ये निकाल के भी बताओ फटाफट से। देखो PT हाइपोटेन्यूस है और y परपेंडिकुलर है या नहीं, मैं लिख दूंगा y upon pt is sin theta। जब मुझे tan theta पता है तो क्या मैं sin theta पता लगा पाऊंगा, बिल्कुल लगा पाऊंगा या नहीं? यहां से pt आ जाएगा, ये pt का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो एक बार, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से बहुत इजीली ये सारी लेंथ निकाल सकते हो। जरा देखो, ये पता है तो ये भी निकाल सकते हो इसी थीटा से, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं,
ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला ट्राइंगल यूज करो, ये वाई पता है, ये और ये दोनों आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं? या फिजिक्स में तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा कि ये थीटा, याद आ रहा है ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये उसका भाई करके थीटा तक पहुंच ही जाते हो, याद आ रहा है? और ये अगर मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट बताऊं तो ये जो थीटा पहचानने का तरीका है ना, एक बढ़िया तरीका बताता हूँ दो मिनट में। पहले ये बताओ कि तुम ये चारों फॉर्मूला अपने आप से कर लोगे, जरा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब जरा देखो, अब जरा देखो, हम क्या कहते हैं, दो लाइंस और उनपे जो परपेंडिकुलर्स बनाए उनका बीच पे एंगल हमेशा सेम होगा। दो लाइंस कौन सी है, वो जिन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ये लाइन है, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यस और नो? लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू के बीच में एंगल थीटा है, यस और नो? बिल्कुल है। तो मैं कह रहा हूँ लाइन वन के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो और लाइन टू के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो। लाइन वन के परपेंडिकुलर ये लाइन है थ्री, लाइन वन के परपेंडिकुलर ये लाइन है थ्री, लाइन टू के परपेंडिकुलर ये लाइन है फोर, है या नहीं? उनके बीच का एंगल भी हमेशा थीटा होगा। क्या तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो तुम वो थीटा 90 माइनस थीटा घूम फिर के जो थीटा तक पहुंचते हो फिजिक्स में, वो ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों पे परपेंडिकुलर, वन पे परपेंडिकुलर बनाया थ्री, टू पे परपेंडिकुलर बनाया फोर, उन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, हमेशा थीटा। तो वैसे अगर तुम्हें उसकी आदत डली हुई है 90 माइनस थीटा ऐसे जाके, तो तुम वैसे भी जा सकते हो और इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले हमें याद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तुम ये बताओ पहले चैट बॉक्स में लिखे, यस और नो, ये फॉर्मूले हमें याद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मिक्स रिव्यूज है, कुछ बच्चों में यस लिखा है, कुछ बच्चों ने नो लिखा है। तो मेरा जो आंसर है इसको रिलेटेड, तो वो यस है। हालांकि फॉर्मूले आर वेरी इजी टू डिराइव, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम सोचो कोई क्वेश्चन आ गया सीधे, उसने एक कर्व दे दिया, कह दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट नॉर्मल जो भी, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो कम से कम नहीं तो कम से कम तुम 20 सेकंड तो बचाई लो, कितनी भी जल्दी इसे डिराइव करो फॉर्मूला, उसके बाद अप्लाई करो, 20 सेकंड तो लगाओ भाई इस फॉर्मूले को डिराइव करने के, कितने भी तेज हो तो। क्या कहते हो इस बात को, मानते हो या नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट में तो पहले दो फॉर्मूले में तो लगेगा ही लगेगा। और फिर से बता रहा हूं, ये छोटा छोटा अमाउंट जो मैं लिखता हूं बार बार, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है तुम्हारे पूरी लाइफ में, बहुत बड़ा। अभी नहीं तुम समझ रहे शायद इस बात को, ना ही समझोगे, लेकिन ये 15-15-20 सेकेंड तुमने हर क्वेश्चन में अगर बचाए, हर क्वेश्चन में नहीं, अगर मान लो टोटल पेपर में 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन में भी बचा लिए अगर तुम, 5 तो बहुत कम कह रहा हूँ मैं, हालांकि 5 एक सब्जेक्ट में भी बचा सकते हो, लेकिन मैंने मान लिया कि तुमने ऑब्जर्व नहीं करा, पूरे पेपर में सिर्फ 5 जगह पे ऐसे 20 सेकंड बचा लिए, कितने सेकंड बच गए? 2 सेकंड बच गए। इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन कर सकते हो 100 सेकंड में, बताना जरा, इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन कर सकते हो 100 सेकंड में? अरे वाह, बिना ऑप्शन दिए तुम सबका आंसर मैच कर रहा है। ज्यादातर लोगों ने लिखा है कि 10 तो कर लेंगे, किसने 15 लिखा है, किसने 20 लिखा है, किसने 5 लिखा है, दस ले लो, दस नहीं तो 5 भी ले लो, 5 नहीं तो सब छोड़ो, इनऑर्गेनिक नहीं थी मान लो, कोई और टॉपिक था, कोई छोटा मोटा फिजिक्स का, छोटा मोटा मैथ्स का, कुछ भी, 2 क्वेश्चन तो गारंटीड है तुम इसमें कर लोगे, यस और नो? तुम 10 कह रहे थे, मैंने तो 2 ही कहा, 2 क्वेश्चन का मतलब समझते हो तुम, 2 क्वेश्चन का मतलब समझते हो तुम, लॉन्ग टर्म तुम्हारी लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगी 2 क्वेश्चन या 100 सेकंड का? हो सकता है तुम किसी कॉलेज को ही चेंज कर दो, एक के तुम क्लोजिंग रैंक ओपनर थे, किसी के ओपनर बन जाओ रैंक ओपनर, एक ही क्लोजिंग रैंक पे थे, एक ही ओपनर, मान लो जस्ट आगे पीछे थे, है ना? तो हर चीज को बहुत सीरियसली और बहुत इंपॉर्टेंस देके चलनी है। तो क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, 10 नहीं, कल बताया था कि जो गए वो तो है ही, उसके अलावा जो मिलते वो भी नुकसान है। तो ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट सब नॉर्मल। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट सब नॉर्मल मैंने लिखी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखी है या फिर जनरलाइज, सोच के बता रहा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे के जनरलाइज,
फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में। कुछ लोगों ने लिखा है जनरलाइज, कुछ लोगों ने लिखा है पॉइंट पे, तो मैं बता देता हूँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखे हैं हमें, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। अभी देखो जो फोटो बनाई थी याद करो, ये कह रहा है कि ये वाई है, अब ये वाई चेंज होता रहेगा तो वो चेंज होते रहेंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट सब नॉर्मल वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी कर सकते हैं, सेम भी हो सकती है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी भी कर सकती है। क्या तुम समझ गए इस बात को? अब कल वैसे कल या परसों किसी बालक ने क्वेश्चन भेजा था कि दो हाइपरबोला के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। देख अब हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व, अभी क्वेश्चन नहीं कराया आज में क्योंकि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो टेंजेंट नॉर्मल वाला ही था, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो उनके क्वेश्चन में तुम्हें डीपीपी के फॉर्म में दे दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना। अभी मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, 5 मिनट वेस्ट होंगे और तब मैं कह रहा हूँ 100-100 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट है, तो 5 मिनट तो बहुत दूर हो जाएगा ना। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात करें, अब पहले ये सुनो एंगल बिटवीन टू कर्व्स है क्या। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये डेफिनेशन लिख लेना नोट्स में जब मैं बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या तुम समझ गए? एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये कर्व्स है, इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, ये बनाया टेंजेंट और ये बनाया टेंजेंट, दोनों पे एक इस पे टेंजेंट एक इस पे, इनके बीच का जो एंगल होगा वो इधर भी हो सकता है 180 माइनस थीटा भी, याद आ रहा होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस जैसे निकाला करते थे, याद है किस किस को याद है एंगल बिटवीन टू लाइंस, थीटा 180 माइनस थीटा दोनों आते थे, हमें क्यूब वाला आंसर देते थे, दोनों चाहिए तो 180 माइनस थीटा से आ जाते थे, याद आ रहा है। और किस किस को फॉर्मूला याद है कि कैसे हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते थे, जरा बताओगे किस किस को फॉर्मूला याद है? एक बालक ने लिखा है कॉस थीटा वाला याद है, तो मैं उस बालक से पूछता हूँ कॉस थीटा वाला कौन सा था वे? हमने तो ये पढ़ा था दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा इज माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड स्वाहा, याद आ रहा है? देखो जरा अब तुम्हें क्या करना है, दो कर्व की इक्वेशन गिवन होगी y is equal to fx और y is equal to gx। सबसे पहली कैटेगरी का क्वेश्चन पहले दोबारा से सुन लो, एंगल बिटवीन कर्व था क्या? एंगल बिटवीन कर्व था एंगल बिटवीन टू कर्व इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल वो बना रहे हैं टेंजेंट उसी को हम क्या कह रहे हैं, एंगल बिटवीन कर्व कह रहे हैं, वो उसकी डेफिनेशन ही है ना, क्योंकि दो कर्व्स के बीच में कभी नहीं निकाल पाएंगे, दो लाइंस के बीच में, तो लाइंस का रेफरेंस कैसे ले लिया हमने, टेंजेंट ले लिया, तो कहा उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल बता देना तो मैं मान लूंगा वही कर्व के बीच का एंगल, समझ गए इतनी कहानी को। और मैं क्या करूंगा इसका dy by dx से एक की स्लोप आ जाएगी मान लो m1, इसके dy by dx से दूसरे की स्लोप आ जाएगी मान लो m2, ऐसा होगा या नहीं होगा? इसके dy by dx से इसके dy by dx से स्लोप आ गई m1 और m2, सही कह रहा हूं? तो m1 और m2 आ गई, इस फॉर्मूले में पटक दूंगा मैं एंगल निकाल पाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कितने लोग एग्री करते हैं, उससे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तभी तो कर पाऊंगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है, तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास इसमें, पहला जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पॉसिबल होगा, पहले तरह का क्वेश्चन जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम निकाल लोगे, यहां से y की वैल्यू इधर डाल दी, यहां से x की वैल्यू इधर डाल दी, जो तुम तरीके करते थे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जैसे भी जैसे तुम्हारा मन हो तो तुम निकाल लोगे, तो उससे ये फॉर्मूला लगाओगे काम बन जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करना होगा, तुम कैलकुलेट करके निकाल पाओ या ना निकाल पाओ उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करके बड़ी आसानी से निकाल दो, तुम कैलकुलेट करके निकाल पाओ या ना निकाल पाओ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम ऑब्जर्व करके बड़ी आसानी से निकाल दो। मैं एग्जांपल दूं तुम्हें इसका, मान लो मैंने कहा x ln x ये कर्व है
और एक कर्व है मान लो x माइनस वन, मान लो x माइनस वन कह दो, x इंटू एक्स माइनस वन, या ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो कर्व है, देखना जरा ध्यान से, ये हमारे पास दो कर्व है, एक हम कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, एक हम कह रहे हैं y इक्वल टू, रुको जरा मैं कर्व यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से, y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हटा देता हूँ इधर से, ये दो कर्व है तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर लूंगा x इक्वल टू जीरो और वन, वन पे ये जीरो और वन इसके भी रूट है, जीरो और वन इसके भी रूट है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये बस एक रैंडम एग्जांपल लिखा है मैंने, कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें जिसमें ऐसा हो सकता है कि तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ना पाओ, लेकिन ऑब्जर्व करके बता दो क्या है, ये दूसरे टाइप का, तो इनडायरेक्टली हमने निकाल ही लिया, भले कॉमन सेंस से निकाला, तीसरा ना तो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे ना ही तुम निकाल पाओगे, तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो ऐसे दो कर्व दे देगा तुम्हें जिसमें तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल भी नहीं पा रहे, जिसमें तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लेके चल दूंगा अल्फा बीटा, मैं मान लूंगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा, मैं एफ डैश अल्फा लिख लूंगा जो कि मेरा स्लोप होगा एम वन, मैं एफ डैश बीटा भी लिख लूंगा, सॉरी जी डैश अल्फा भी लिख लूंगा जो कि मेरा स्लोप होगा एम टू, होगा या नहीं, इसको और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा डायरेक्टली फॉर्मूले, ये वो केस है जिसमें मैं एम वन, जिसमें मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना तो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं ना ही निकाल पा रहा हूं, उसने दो ऐसे कर्व दे दिए उत्पत्तन से, क्योंकि हम हर तरह के कर्व को तो सॉल्व करना नहीं जानते, हम तो जुन्नू मुन्नू कुछ आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसा सॉल्व तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन उल्टा सीधा कोई कर्व आ गया जो हम ना सॉल्व कर पा रहे हैं ना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो मुझे अल्फा बीटा में चलना होगा, मैं अल्फा बीटा लेके चल दूंगा, और अल्फा बीटा लेके इसका डेरिवेटिव एम वन, इसका डेरिवेटिव एम टू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा अल्फा बीटा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा अल्फा बीटा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट समझे, क्या तुम्हें समझ आ गया किन तीन तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन तुम्हें आज दूंगा डीपीपी में तो तुम आराम से देखना उसको, बाकी थोड़ा बहुत अब तुम इतने बड़े हो गए हो दिमाग लगा भी सकते हो सकता है बीच में कभी ऐसे यूज करना पड़े यहाँ से इसमें से अल्फा सब्स्टिट्यूट करना पड़े क्योंकि अल्फा बीटा है तो इन दोनों कर्व्स के पॉइंट है या नहीं है, अल्फा बीटा इन दोनों कर्व्स के पॉइंट है, हो सकता है कभी यूज, वो तुम कॉमन सेंस खुद लगाओगे, एक बार में तो आपने तो कहा था तीन तरह क्या तो निकाल ही लोगे, ये सबसे आसान ऑब्जर्व करना थोड़ा सा ये भी आसान है, नहीं निकला अपनी एसएससी कराए बाद में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे अल्फा बीटा मान लेंगे क्या पटक देंगे अपने आप कैंसिल हो जाएगा, चलो ये भी हालांकि पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा एंगल बिटवीन टू कर्व्स भी तुम्हें आता होगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका अभी देख लेते हैं, कहता कोई क्वेश्चन कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन उठाओ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस टू बराबर जीरो, ये दो कर्व गिवन है, एंगल बिटवीन कर्व्स बताना है, खुद पहचानो कौन सी कैटेगरी का है, फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन एक बार, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो और थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस टू बराबर जीरो, कैटेगरी भी खुद पहचानो और आंसर बताओ, पहले ये बताओ कैटेगरी वन टू या थ्री, देखो कुछ लोगों ने वन लिखा है कुछ लोगों ने टू लिखा है, थ्री किसी ने नहीं लिखा है, इसका मतलब या तो लोगों ने सॉल्व, अच्छा थ्री भी लिखा थ्री भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम्हें ये सॉल्व करना भी आता है जिन्होंने वन लिखा है, ऑब्जर्व भी कर लिया जिन्होंने टू लिखा है उसने ऐसे करा है, तीनों से ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो सबसे पहले तो मैं ऑब्जर्व करा दूं कि वन वन इस पे भी लाया कर रहा है, वन वन इस पे भी लाया कर रहा है, दोनों देख लो फटाफट से, वन कॉमा वन पॉइंट, वन कॉमा वन पॉइंट, ध्यान से देखो पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन पे लाया कर रहा है, यस या नो, बिल्कुल कर रहा, तो जिन्होंने ऑब्जर्व कर लिया अच्छी बात है, कुछ लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके फैक्टराइज भी कर लिया होगा, वो भी बहुत अच्छी बात है जिन्होंने कर लिया,
अगर कर लिया तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ना ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर पाए, हटा दिया मैंने, मैंने कुछ ऑब्जर्व नहीं करा, कुछ नहीं करा, मैं सीधे डीवाई बाई डीएक्स लिखता हूँ। पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहा हूं, पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव इज 3x² माइनस 3y² माइनस 3x 6x बाय डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो। क्या तुम मेरे साथ हो? 3x² माइनस 3, मानो माइनस 3 बाहर भी ले लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 2 बाय डीवाई बाई डीएक्स, इसका डेरिवेटिव 0। ये पहली इक्वेशन लिखिए, यहां से dy by dx निकालने की कोशिश कर लेता हूं, तो आएगा dy by dx इस बराबर टू, ये इधर चला गया 6xy, नीचे आ गया 6 कैंसिल हो गया, x² - y² / 2xy। क्या मैंने सही लिखा है? यस या नो, चैट बॉक्स में देख के बताओ फटाफट, फटाफट से लिख दो। हाँ, कोई एक भी यस लिख देगा तो मैं मान लूंगा सही लिखा है। तो ये मेरा m1 आ गया, पहले किस्तों आ गई या नहीं। दूसरा सेम तरीके से डेरिवेटिव लेना, दूसरी इक्वेशन का 3 × x² का डेरिवेटिव 2x, तो आया 2xy प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx, आया x² dy/dx माइनस 3y² इज माइनस 3y² dy/dx, 2 का तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 0, सही लिखा है। 3 बार रखा हुआ है, x2 के डेरिवेटिव 2x into y, x2 as it is dy/dx, अच्छा वो जो 3 बार रखा हुआ था वो तो सिर्फ इसका था, बाकी उसे हटा देते, माइनस 3y² dy/dx, ये 3 बार आ जाएगा, 0 के पास जाके शहीद हो जाएगा या नहीं, तो आया 2xy प्लस x² - y² into dy/dx equals to 0। तो यहां से dy/dx किसके बराबर, माइनस 2xy / x² - y², ये दूसरी स्लोप आई, आई या नहीं। मेरे ख्याल से जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो तुम्हें दिख गया, किस किस को ऑब्जर्व हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल हो गया होगा तुम्हें। यहां पे दिख रहा है कि ये स्लोप m1 आई है, ये स्लोप m2 आई है, m1 × m2 = -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कोई दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो मैं एंगल कितना कहूंगा दोनों के बीच में 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री एक बार कहूंगा, तो उन्हें 5 बार पेल दिया 90 डिग्री, 90 90 90 90, तब तक देख नहीं लोगे चैट बॉक्स में मैं 90 लिखता रहूंगा, समझ गए कहानी। जिन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था, जिन्होंने पहले तरीके से करा है उनका भी सेम है, जिन्होंने दूसरे से करा है उनका भी सेम है, जिन्होंने तीसरे से करा है कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऑब्जर्व करना सीखो, ऑब्जर्व कर लेते इसमें मन पावा थोड़ी जल्दी हो जाता काम, ऑब्जर्व करना बेटर है, नहीं भी हो रहा तो ऐसे भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अगर एंगल 90 के बजाय तो फोर हुआ, अब ये तो बाय टर्म नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गए, अगर नहीं तो ऑब्जर्व के बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा, क्योंकि फिर तो तुम एक्स वाई में अटके रहोगे, अभी तो एक्स वाई कैंसिल हो रहे हैं, ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है, कोशिश करो ऑब्जर्व कर लो। और इसका मतलब ये भी नहीं है पेपर आया सामने आधा घंटा नहीं पड़े उस क्वेश्चन को देखने में, भाई ऑब्जर्व कर भी रहे, अल्फा बीटा से सेम है, जो क्वेश्चन उसने बनाया या तो सीधे सीधे 10 सेकंड के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, नहीं हो रहा तो अल्फा बीटा से ट्राई कर लो सीधे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गए। तो आज के लिए हम लोग मेरे ख्याल से यहीं रुक जाते हैं।